क्षमा गणेशा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल राठौर ब्लॉग्स में। और जैसे कि आपको पता है, दिवाली आ रही है तो हमारा चल रहा है सफाई अभियान। और ही इज हेल्पिंग मी टू, ये अपने भी मार लो थोड़ा सा कॉलिन, अपनी भी सफाई कर लो। नहीं पागल हो गया, ये तो सच में मेरे पे मार रहे हो। अरे मेरी आंख में गया। काम कम लोग कम, ठीक है। पूरे घर की सफाई चल रही है गाइस, पूरा घर फैला रखा है। वैसे हम मेरा वाला रूम और मम्मा वाला रूम तो हमने कल कर लिया था, आज इस हॉल की सफाई और आगे वाला जो गेस्ट रूम है उसकी सफाई चल रही है। ये वो बक्सा है जो मेरी शादी में लेके आई थी, इसमें मिट्टी देख रहे हैं आप, गीले कपड़े से क्लीन कर दो। ओके कमेंट जरूर करना किस किस के घर में सफाइयां हो चुकी है और किस किस के घर में सफाइयां चल रही है। मेरा तो ये टारगेट है कि मैं करवा चौथ से पहले पहले पूरे घर क्लीन कर दूं, क्योंकि आप पता है सेल्फ केयर भी करनी है। पापा आ रहे हैं, पापा उसमें ये मेरा पूरा साथ दे रहे हैं मेरी सफाई खत्म करने में, और क्या चाहिए। और मम्मा कर रहे हैं किचन का काम, हम दोनों कर रहे हैं घर की सफाई। ये पंखों की सफाई जो कि सिर्फ यही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। थैंक यू यार फॉर हेल्पिंग मी दिस मच। अब देखना भाव बढ़ेंगे थोड़ी देर में। ओ रियली, कहा था ना मैंने भाव बढ़ेंगे, आदमी के बिना कुछ नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग वेडिंग सीरीज पे क्या आप लोगों के व्यूज है, मतलब मैं वेडिंग सीरीज स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। मतलब वेडिंग सीरीज में जितने भी राजपूती टॉपिक्स या फिर अदर टॉपिक्स, अदर कास्ट के जितने भी टॉपिक होते हैं वो मैं सारे इंक्लूड करने वाली हूँ। आप लोग कमेंट कर करके बताएंगे, मैं वो टॉपिक्स ऐड कर लूँगी। तो आप लोग मुझे शेयर ज़रूर करना अपने व्यूज़ को। होप मैं आपके जो भी टॉपिक्स होंगे सबको कवर करने की कोशिश करूँगी। बट सबसे पहले आप मुझे ये आइडिया दीजिए कि मेरा ये आइडिया अच्छा है या नहीं। तो गाइस फाइनली गेस्ट रूम थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सफाई हो चुकी है गेस्ट रूम की। अभी करेंगे सबसे पहले नाश्ता, मम्मा ने नाश्ता बना दिया है और उसके बाद हम वापस से काम स्टार्ट करेंगे। तो आज है मूली के पराठे, अचार और रायता मम्मा ने बनाए हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ कब आए और कब खाए। तो गेस्ट रूम तो लगभग सेट हो चुका है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आ जाओ यार, कब से वेट कर रही हूँ। चलो ये क्या कर रहे हैं, ये झाड़ा देने वाले बन रहे हो। बालिके क्या रोग है तेरे? मेरे कोई रोग नहीं है। यहां रोग है। अभी पापा देख लेंगे ना, फिर रोग करा देंगे। तो गाइस फाइनली काम तो हो चुका है, मम्मा नहा रहे हैं, उसके बाद मैं नहाने वाली हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रही है 11 सुबह के, और आज हमने तीन रूम की सफाई कर दी एक साथ। तो फाइनली अब सिर्फ किचन बच रहा है, किचन हम लोग कर देंगे और बाहर की क्लीनिंग बची हुई है
जो पोर्च वाला एरिया है वो, और जहाँ हम लोग वो रखते हैं पेड़ रखते हैं गमले रखते हैं, वो वाला एरिया थोड़ा अभी क्लीन करना है। बाकी हमारा सब कुछ हो चुका है। फिर छत की सफाई करेंगे, छत पे दो रूम है उनकी सफाई करेंगे, तो वो तो हो जाएंगे एक एक दिन में, उनकी दिक्कत नहीं। हाँ मम्मा, हाँ की क्लीनिंग हमने चुकी थी बहुत ही, अब जाके थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है घर का। तो गाइस अभी बज रही शाम की 5 और मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी बना के आटा लगा के रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। आज का दिन तो सोने में निकल गया, मतलब सफाई करके सोए थे हम लोग, अब भी उठे 4:30 बजे। उसके बाद चाय पी और अब बना रही हूँ मैं सब्जी। आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्जी, और ये कटिंग करके मैंने रख लिया है। तो चलिए बनाते हैं बैंगन की सब्जी।